Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड इवनिंग गाइस, वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू टेस्टबुक.com. आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं गाइस मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2021. अब इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2021 कहने का जो रीजन है वो रीजन ये है कि दिस पेपर इज द लेटेस्ट वन ऑफ द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सीएचएसएल. यानी कि एग्जैक्टली यही पैटर्न आपको मिलने वाला है सीएचएसएल के 2021 के एग्जामिनेशन में जो आपका अगस्त 2021 में होने वाला है. तो सबसे पहले तो इतने दिन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने सारे हमने मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, अब समय ये आ गया है ये देखने का कि आखिर हमारी तैयारी कितनी हुई है. इतने दिन से इतने मॉक सॉल्व किए, आखिर रिजल्ट क्या निकला वो चेक करने का टाइम ये आ चुका है. तो चलिए बताइए, सबसे पहले तो आप लोग गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद सबको. बताइए क्या बात है मिलिंद, नाउ दिस इज द डेडिकेशन, वेरी गुड. चलिए शुरू किया जाए, तैयार? तैयारी जीत की, बिल्कुल जीत की तैयारी है और हम जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे. तो चलो भाई चला जाए, आगे हैं सारे लोग. ओके चलिए फिर, बीच बीच में अगर होता भी है, बीच बीच में बफरिंग होती है तो चिल करना यार. ऐसा थोड़ी ना है कि आपका टाइम ओवर हुआ जा रहा है, आप दोबारा उसको देख सकते हो. तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रात में नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, तो कितनी भी स्पीड आए वो बीच बीच में बफर करता ही रहता है. हम पहले क्वेश्चन पे चले, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने. क्वेश्चन नंबर वन है, सीएचएसएल का पेपर है, बहुत ईजी लेवल आएगा, प्यारा सा लेवल आएगा, एकदम चिल होकर पेपर करना, ऐसा सोचना एग्जाम पेपर एक्चुअल में कर रहे हो. द टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम इसमें लगना है आपको 25 सेकेंड, मैक्सिमम 25 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट. Although देखते ही हो जाएगा. क्या बात है शैलेंद्र, वेरी गुड. बताइए बताइए, ओवर द रिवर होना चाहिए, सुप्रिया वेल डन, शाबाश. अभिषेक गुप्ता वेरी गुड, नेहा कुमारी शाबाश, बिल्कुल सही है रितिका. अब जितने लोगों ने Across की मतलब थ्रू को रिप्लेस किया है, Across से किया हो, बियॉन्ड से किया हो, अंटिल से, अनलेस से, मतलब दुनिया के किसी भी वर्ड से आपने थ्रू को किया है, आंसर तो आपका सही है, लेकिन मेरा काम है आपको सही एक्सप्लेनेशन बताना. तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन गलत अगर होते हैं बहुत नर्वस हो जाते हो आप लोग कि मैम पहला क्वेश्चन गलत हो गया अब क्या होगा, मुझे कुछ नहीं आता है. फर्स्ट थिंग, अगर ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है ना, दुनिया का कुछ भी आप लगा दो, कुछ भी चेंज करो, आपका आंसर सही ही होगा पेपर में, ठीक है ना. तो इस डर को दिमाग से निकाल दो, बहुत इजी पेपर आने वाला है, चुटकियों में आपके इंग्लिश में 25 में से 25 आ जाएंगे. थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे क्या करना है, थ्रू द रिवर लिखा हुआ है, थ्रू द रिवर की जगह हमें करना है अक्रॉस द रिवर. अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर के ऊपर, एक छोर से दूसरी छोर की तरफ अक्रॉस होता है. तो अक्रॉस द रिवर, वी ऑलवेज, रो का मतलब होता है तैरना, हम हमेशा रिवर के एक साइड से दूसरी तरफ ही तैरते हैं, तो हमेशा सो के रो के साथ अक्रॉस ही आएगा, दिस इज द रूल, ठीक है ना. ए दिया था, चाहे दुनिया का कोई भी वर्ड लगा दिया हो, आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड. चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. ब्रिटिश ऐसा करेंगे ना तो बता, सोच में आपके एक घंटे में सोचो कितने कम क्वेश्चन हो पाएंगे. मेरा फोकस क्या है, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा पाऊं, ठीक है ना. इसलिए ये रहा आपका अगला सवाल आपके सामने.
बिल्कुल शैलेंद्र चुटकियों में निकलेगा। और ये आपको इंफॉर्मेशन देनी है गाइस, मेरे एनडीए 2 की लाइव मतलब एनडीए 2 2021 का लाइव बैच जो आ रहा है वो textbook.com के प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, जिसका जो एमआरपी है दैट इज 6999। आप लोग को मैंने बताया है, आपका अगर कोई जानने में हो, आपका कोई छोटा भाई बहन हो, नॉट बहन अगेन नॉट बहन भाई, कोई छोटा भाई हो जो प्रिपरेशन कर रहा हो एनडीए की, उसको अगर लगती है नीड सीरियस है एनडीए की प्रिपरेशन को लेके, तो यू कैन आस्क हिम टू ज्वाइन दिस बैच। क्योंकि इस बैच में अगर मतलब आप सच में श्योर हो, दिमाग में ठान रखी है कि एनडीए क्लियर करना है, तो दिस बैच इज गोइंग टू यू कैन से बूस्ट दैट योर मतलब बूस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें हो गया कि 360 डिग्री एग्जाम प्रिपरेशन। 360 डिग्री प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है? 360 डिग्री इज दिस, पूरा राउंड आपको पढ़ाया, रिविजन करवाया, आपने खुद की टेस्टिंग करी, आपने फिर से पेपर सॉल्व किए, फिर से रिवाइज करके हम आपको फिर से बताएंगे, ये होता है 360 डिग्री प्रिपरेशन। तो ये अगर आपको करनी है, ये प्रिपरेशन आपको करनी है, तो आपको मतलब एनडीए वाले स्टूडेंट को ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। 8000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एक्सपर्ट्स ने चूज किए हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। और ये सिर्फ एनडीए का नहीं है, ये आपके हर एक बैच का है यहाँ पे टेस्ट बुक के ऊपर। 40 प्लस आपको कोर्सेज मिलेंगे, प्लस 125 पर प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। अगर करंट सेलिंग प्राइस जो इस टाइम 4499 चल रहा है उसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए, तो यू कैन यूज माई कोड AN20 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ, एंड दिस इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम ऑफर। तो जल्दी से अवेल कर लीजिएगा जिसको भी करना हो, ठीक है ना। अभिषेक गुप्ता, आई टीच फॉर ऑल दी यू कैन से ऑल दी कैटेगरीज, थोड़ा सा मतलब टाइम चाहिए होगा क्योंकि मेरे पास अभी काफी मतलब मैं काफी लेक्चर्स ले रही हूँ, तो अभी टाइम नहीं हो पा रहा है उतना। एंड गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो सारे फैकल्टीज हैं जो इस बैच के अंदर लेने वाले हैं क्लासेस, ठीक है ना। सबके यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, अचीवमेंट्स एंड ऑल लिखे हैं, तो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ये रहा आपका अगला सवाल, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, पढ़ाएगी नहीं? मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने कराए हैं ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बताइए, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, रेसिडेंट, एलियन, नेटिव, इनहैबिटेंट, व्हाट इज द आंसर? सभी बताइए, क्या बात है, आया ना चुटकियों में आंसर, सबका आंसर आ चुका है। अभिषेक, प्रियान, सचिन, अंकित, प्रेम कुमार, संजली, हर्षिता, सबके आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, नॉट हर्षिता, इट्स हर्षिता, वेरी गुड। बहुत सिंपल है, बहुत बार हमने किया है। एक ऐसा पर्सन जो दूसरी प्लेस से फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है उसको हम एलियन बोलते हैं, ALIEN, एलियन इज दैट पर्सन। अब ये मत समझना कि कोई मिल गया वाला जादू ही होता है एलियन, बस वही एलियन होते हैं, वो अर्थ के लिए एलियन होता है। जो दूसरे प्लैनेट पे बिलोंग करे वो अर्थ के लिए एलियन। मैं अगर अभी अमेरिका जाऊं, मैं अमेरिका के लिए एलियन, अमेरिका से कोई यहाँ पहली बार आया वो यहाँ के लिए एलियन। कंसेप्ट क्लियर हुआ एलियन का क्या मतलब होता है? कोई कहीं भी फॉरेन लैंड पे चला जाए वो वहां के लिए एलियन होता है। रेसिडेंट होता है जहां हम रहते हैं, वहां का निवासी, मेरा ये घर है, मैं यहाँ की रेसिडेंट हूँ। नेटिव, जहां से हम बिलोंग करते हैं वो नेटिव प्लेस होती है। लखनऊ मेरी नेटिव प्लेस है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, तो ये मेरी नेटिव प्लेस है। और इनहैबिटेंट क्या चीजें होती है? किसी प्लेस पे ओरिजिनली जो चीजें पाई जाती हैं वो होती है वहां की इनहैबिटेंट्स। समझ में आया? क्लियर हुआ? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका था ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर था, ठीक है ना, मैक्सिमम का सही था। चलिए, ये रहा अगला सवाल PQRS। इतना ईजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, 25 भी नहीं 20 सेकेंड लगेंगे। पहले खुद से अच्छा करके देखिए, आपको जितना भी टाइम लगे जल्दी से करके आंसर बताइए। चलिए अभिषेक, या आई डू सॉर्ट ऑफ, क्या बात है, आंसर आ भी गया। बाकी लोग कोशिश करिए आंसर देने की, आंसर काफी लोगों के आ गए हैं। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ओके, a few people are saying D वाला ऑप्शन, a few people are saying B वाला ऑप्शन। चलो भाई देखा जाए कौन सा ऑप्शन है। जिन लोगों ने D वाला ऑप्शन दिया है, पता है उन लोगों ने आई थिंक जल्दबाजी करी है उन लोगों ने, पता है क्यों? D वाला, चलो सबसे पहले हम D वाला पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने D वाला आंसर दिया है। द प्रिजनर्स who were interested in visual arts and painting could study there.
क्या हमको पता है ये देयर क्या है? आंसर बताइएगा सब लोग जल्दबाजी। मैंने खुद बोला है इन वाले पेपर में, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले पेपर में जल्दबाजी मत करो। जितने लोगों ने डी से दिया है मुझे ये बताइए, क्या हमको पता है ये देयर क्या है? किसी को आंसर बदलना नहीं है, नहीं पता ना क्या देयर डेयर है, तो डी वाला हो ही नहीं सकता है दोस्त। हमको प्रोनाउन पता होना चाहिए, कोई भी अनडिफाइंड प्रोनाउन नहीं आ सकता हमारे पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले स्टेटमेंट में। समझ में आया? चलिए, डी कैंसिल हो गया है, दे तो हो ही नहीं सकता है, लेटर भी नहीं हो सकता है क्योंकि लेटर के पहले भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो समझ में आ गया, बी है पहला वाला। अब ये दोनों कैंसिल हुए, बी के बाद क्या आएगा? द प्रिजनर्स वॉन्टेड टू डिस्प्ले देयर आर्टवर्क इनसाइड द प्रिजन। आर्टवर्क इनसाइड द प्रिजन, बी के बाद। अब देखना ध्यान से, बी के बाद डी तो आएगा ही नहीं क्योंकि लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कभी भी सेम नाउन से स्टार्ट नहीं होते हैं, हमेशा प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमेशा प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। अगर ये दोनों अगल बगल होते तो ये प्रोनाउन से स्टार्ट होता प्रिजनर्स के लिए, तो ये भी साथ में नहीं है। क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला 4, बी सी डी ए। यस गौरव गुप्ता, दे आर इनफ फॉर योर वोकैबुलरी प्रिपरेशन। और मंडे से गाइस ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेरा एडिटोरियल वाला प्लस प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी वाला जो ओवरऑल वोकैबुलरी डेवलपमेंट का जो मेरा सेशन है, ये आपका शिफ्ट हो गया है मॉर्निंग में, 9 AM इन द मॉर्निंग। सुबह की चाय के साथ, सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ आपको ये वाला सेशन मेरा लेना है। डन, ये रहा अगला सवाल, आंसर बताइए। आंसर बताइए, खुशी क्या हो गया? पूरा नहीं पढ़ा था भाई, पूरा पढ़ना है, तभी मैंने बोला है कि आंसर जल्दबाजी मत करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ। मैं अभी आपको, आपकी एक्यूरेसी पे फोकस है मेरा, स्पीड हम बढ़ा लेंगे, आप लोग की स्पीड काफी ज्यादा है, ट्रस्ट में एसएससी में जितनी स्पीड चाहिए ना उससे कहीं आगे हो आप लोग। तो इस टाइम फोकस हमारा है एक्यूरेसी के ऊपर, एक्यूरेसी शुड बी योर मंत्रा इन दीज सेशंस। क्या बात है, वेरी वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गए हैं भाई। मेधा निगम, स्माइली, मोहिनी, राघव, अंकिता, नॉट अंकिता, अंकित, सॉरी, उदित, निशांत, अभिषेक, भूपेंद्र, वेरी गुड, शाबाश। सबके आगे प्रेम कुमार ने तो इमोजीज ही बना दिए, कई सारे लोगों ने इमोजीज ही बना दिए। तो यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, द करेक्ट आंसर इज ईगल, EAGLE, ईगल का मतलब क्या होता है? चील। जो आप लोगों ने इमोजीज बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं। अर्ली का मतलब क्या होता है? अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी, EARLY, अर्ली की स्पेलिंग, अर्न की स्पेलिंग होती है EARN, और आईरी की स्पेलिंग क्या होती है? EERIE, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ आईरी। समझ में आया? वेल डन, शाबाश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल। एक्सपोज इज द टर्म, प्रोटेक्ट, रिवील, ब्यूरी या फिर हाइड। जल्दी से आंसर बताइए सारे लोग। सुमित वर्मा, दिस इज योर CHSL पेपर एंड यस, इतना ही इजी आता है ये, मैंने इसीलिए आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा लिया है जिससे आप लोग को एकदम फील दे पाऊं, एकदम एग्जैक्ट आइडिया दे पाऊं कैसा पेपर आता है, ठीक है ना? क्या बात है, शाबाश। सुप्रिया, मुकुल, SH, अंजना, राघव, सुमित, प्रिया, श्रद्धा, वेल डन गाइस। क्या मतलब होता है एक्सपोज का? यहाँ पे हमको सिनोनिम बताना है, एक्सपोज का सिनोनिम क्या होता है? एक्सपोज का मतलब किसी को रिवील कर देना, और यही तो इसका मीनिंग होता है। एक्सपोज का मतलब किसी को रिवील कर देना, खुलासा। क्या मतलब होता है? खुलासा करना। एक्सपोज का, रिवील का, दोनों का मतलब सेम है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, ब्यूरी का मतलब गाड़ना, हाइड का मतलब छुपाना। बहुत इजी टर्म्स है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। समझ में आया? थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कन्वेइंग द मैसेज। अब हम चले अगले वाले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला सवाल आपके सामने, परपीट्रेट। परपीट्रेट, प्रिवेंट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट या फिर कमिट। जल्दी जल्दी से सारे लोग मुझे आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, कम ऑन। परपीट्रेट इज द टर्म, व्हाट विल बी द आंसर? क्या मतलब होता है परपीट्रेट का? शाबाश, वेरी गुड। निधि राज, बिल्कुल आपके MTS, मतलब ये समझ लीजिए कि MTS का ही पेपर है, लेवल
थोड़ा सा और इजी कर दो तो एमटीएस का पेपर हो गया। तो ये पेपर ऑलरेडी आसान है यार, इसमें आप एस कर लो इस पेपर को, 25 out of 25 ले आओ। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपका एमटीएस क्लियर होने से रोके इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश में तो पूरे आने ही आने हैं। तो एमटीएस वालों के लिए तो एक गोल्डन चांस है इस पेपर को करने का। एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, इन सब के लिए बहुत बेहतरीन गोल्डन चांस है ये पेपर आपके सामने जो आ रहा है। प्रेवेंट, वेरी गुड। मनमोहन, आपने मुझे सिनोनिम बताया है। परपीट्रेट का मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज को करना, टू कमिट अ, यू कैन से क्राइम, टू कमिट अ गिल्ट, टू कमिट अ क्राइम, ये सारी चीजें होती हैं। इसका मतलब होता है परपीट्रेट, कुछ करना, कोई कांड करना, ये चीज परपीट्रेट होती है। और परफॉर्म का मतलब भी होता है कुछ करना, एग्जीक्यूट का मतलब भी होता है किसी चीज को मतलब करना, परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट होता है प्लान, एग्जीक्यूट करते हैं मतलब प्लान को इम्प्लीमेंट, मतलब हम फिर अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। कमिट का मतलब क्या होता है? अगेन कुछ करना, यू कमिट क्राइम। यहां पर एक ही टर्म है जिसका मतलब है कुछ होने से रोकना, कुछ होने से रोकने को हम बोलते हैं प्रिवेंट। और बस यही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है परपीट्रेट का उल्टा। बाकी ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं गाइस परपीट्रेट के। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इज द एंटोनिम एंड दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? सिंपल था, वेल डन खुशी। समझ में आया मोहिनी? यस सुलेमान, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है, कमिट सुसाइड, सुसाइड करना, प्रिवेंट सुसाइड, सुसाइड रोकना, सुसाइड बचाना, हो गया ना उल्टा। शाबाश, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा सवाल, फिर से बहुत ही चुटकियों का खेल है आपका ये पैरा जंबल। लेट्स सी कौन करता है इसको 20 seconds के अंदर। 20 seconds बहुत ज्यादा है, तब भी आराम से करिए, 20 seconds लेकर, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करके आंसर बताओ। चलो कमॉन, आंसर आना शुरू हो गए हैं ऑल दो, लेकिन आप लोग टाइम लीजिए, मैं बिल्कुल भी आप लोग को जल्दी जल्दी रश करने को नहीं बोलूंगी, आराम से दीजिए। क्या बात है, स्टालिन और सोनी आनंद, एक बार ध्यान से फिर से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, मैंने बोला है ना कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से देखो फिर आंसर करो। सी तक तो सबने पहचान लिया है, सी तो चलो पहला स्टेटमेंट है मान लेते हैं, और कोई सी के अलावा पहला स्टेटमेंट जैसा साउंड ही नहीं कर रहा है, ना डी और ना ए। अब देखो एकदम ध्यान से देखना, आप सब लोग एकदम ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे? सी तो पहला है, समझ में आ गया है। अब सी के बाद क्या आएगा? वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। अकबर ने एक बार अपने जो दरबारी थे उनसे बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछा। खुद सोचो क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, जब क्वेश्चन पूछ लिया तो सामने से उनका रिएक्शन आएगा, क्रोनोलॉजी यही तो होनी चाहिए। अकबर ने क्वेश्चन पूछा, सामने से रिएक्शन आएगा, तो नेक्स्ट इनका रिएक्शन कहाँ लिखा है? रिएक्शन कहाँ लिखा है? डी में लिखा है, उन लोगों का रिएक्शन डी में लिखा है। तो द कोर्टियर्स वर डंबफाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन, क्वेश्चन उसने पूछ लिया और कोर्टियर्स क्या थे? डंबफाउंडेड का मतलब एकदम कंफ्यूज्ड थे क्वेश्चन से। तो क्या हो गया? सी डी एक प्लेयर बन गया और बस मिल गया हमको आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बताइए समझ में आया स्टालिन? बताओ बताओ, अब समझ में आया, गलती नहीं करनी है, टाइम लो, सोच लो कि 5 seconds में आपने क्वेश्चन गलत कर लिया, इससे बढ़िया है भाई 10 seconds और लेके सही कर लो, क्या गलती है, क्या बुराई है? समझ में आ गया? वेरी गुड शैलेंद, वेल वेल, वेरी वेरी गुड। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी गुड सुमित वर्मा, बहुत सारे लोगों का सही था, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे तो उनकी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी है, आपको सिखाया है कि कैसे देखना है, ठीक। अगला सवाल ताज़े फॉर्म में बताना है, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, इजी सा। अ प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स। सबसे पहले तो जिसने भी अभी तक नहीं लाइक किया है सेशन को, प्लीज गो एंड लाइक दी सेशन, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग दिस सेशन एट 10 PM। मतलब हर एक सेशन में हर एक एजुकेटर की बहुत मेहनत लगती है, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि नहीं, वो एजुकेटर कम मेहनत करता है, मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, नॉट एट ऑल,
हर एक एजुकेटर की सेम मेहनत लगती है आपके सेशन को लाने में आपके सामने। तो यू शुड लाइक द सेशन ऑफ ईच एंड एवरी एजुकेटर, सबका सेशन आपको लाइक करना चाहिए। मतलब ये सॉर्ट ऑफ हम लोग को थोड़ी सी एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है कि एटलीस्ट चलो स्टूडेंट्स हमारे सेशन को पसंद कर रहे हैं, दे आर लर्निंग समथिंग। आपकी ग्रोथ, आपका मतलब चीजें देखना कि आपको समझ में आ रही है, आप आंसर दे पा रहे हो, आपको हमारा पढ़ाया हुआ याद है, दैट इज इट। यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। सो कीप शोइंग लव। The prisoners have made these painting. तीन रूल, वो थ्री गोल्डन रूल्स क्या हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के? थ्री गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, खुशी वेरी वेरी गुड, क्या है वो? पहला नो टेंस चेंज, दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, तीसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन पैसिव वॉइस, दैट इज इट। पैसिव फॉर्म में करना है। और पहले वाले हमारे रूल से कितने परसेंट क्वेश्चन हो जाते हैं? 90% क्वेश्चन हमारे पहले वाले रूल से हो जाते हैं। तो क्या ये 90% में आता है, ये तो देखना पड़ेगा। तो प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ध्यान से देखो ऑप्शन में क्या कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा है? वर मेड लिखा है, पास्ट टेंस है, कैंसिल करो। हैव बीन मेड लिखा है, इसमें भी हैव बीन मेड लिखा है, चलो भाई। लेकिन ऊपर वाले में देखो, इसमें आर मेड लिखा है, इसको कैंसिल करो। अब देखो टू और थ्री में, Paintings have been made by the prisoners. Prisoners have been made by the painting. सबसे पहले तो मैं ढूंढ लू किसी ने ऑप्शन नंबर थ्री तो नहीं दिया है, पहले मैं ढूंढ लू क्योंकि उन लोग को मुझे किनारे बाद में बात करूंगी उनसे। ऑप्शन नंबर थ्री तो नहीं दिया है किसी ने, देख लू एक बार। कुलदीप कौर ऑप्शन नंबर थ्री दिख गया मुझे, और किसने ऑप्शन नंबर थ्री दिया है? और है कोई ऑप्शन नंबर थ्री वाले? रेड आईज आपने टू थ्री लिखा है, अब बताओ हम क्यों अलग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर थ्री वालों को? सोचिए बताइए। ये पेंटिंग प्रिजनर्स को बनाएंगी या प्रिजनर्स पेंटिंग को बनाएंगे? आपको लग रहा है पेंटिंग्स में प्रिजनर्स बना दिए होंगे? बताओ, नहीं ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू विल बी द आंसर। नहीं नहीं हाँ जी, ऑप्शन नंबर टू विल बी द आंसर। ध्यान से देखो भाई, मतलब भी तो वो निकलना चाहिए। नीचे वाले में लिखा है दीज प्रिजनर्स हैव बीन मेड बाय द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स ने प्रिजनर्स बना दिए, कोई सेंस है इस बात का? आप सोच रहे होंगे आंसर देने वाले, कोई सेंस है उस बात का? उस टाइम हमको बहुत लग रहा था ना, लेकिन कोई सेंस है नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। समझ में आया वाई ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर? वेरी वेरी गुड, शाबाश कुलदीप, समझ में आया आपको? ये बताइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिर से बताइए आंसर। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और क्या किसी को, मतलब मैंने काफी पहले ही आपको idiom करवाया था, क्या किसी को स्टोरी याद है जो मैंने स्टोरी बताई थी? और एक चीज आप लोग नोट करिएगा, संडे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम 100 टॉप idioms में से आपने 50 करवाए हैं, पार्ट टू तो है ही नहीं। सो गाइस, उसका पार्ट नंबर टू, टॉप 50 idioms मैं आपको करवाने वाली हूँ इस संडे, दिस संडे शाम को 8 बजे, 8 PM पे मेरी क्लास होगी, स्पेशल क्लास होगी 50 idioms की। तो आपको 8 बजे आ जाना है यहाँ पे, 50 टॉप के idioms पढ़ने, ठीक है? एंड मंडे ऑनवर्ड्स मेरी, आपको पता है, वोकैबुलरी की क्लास का टाइमिंग चेंज होके हो जाएगा, सुबह के 9 बजे, 9 AM पे मेरी क्लास होगी। गाइज, मेरे लिए बहुत मेहनत पड़ेगी, ट्रस्ट मी, सुबह मतलब उठ के बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी उसके लिए। न्यूज़पेपर सुबह आता है आपके लिए, सुबह कंटेंट तैयार करना, सुबह उठ के जिम जाना, कंटेंट तैयार करना, मतलब दैट वुड बी अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स। लेकिन फिर भी आप लोग के फायदे के लिए टाइमिंग 9 AM करी जा रही है, तो आप लोग को यूटिलाइज करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि टाइम चेंज होकर 9 AM हो गई है, ठीक? आंसर बताइए। वेरी वेरी गुड। अच्छा, किसी को स्टोरी याद है मैंने क्या स्टोरी बताई थी? आप कहीं पर घूमने गए हो, जैसे लखनऊ में मरीन ड्राइव है, शायद मुंबई वाली मरीन ड्राइव में भी कुछ ऐसा है, लखनऊ में मरीन ड्राइव एक प्लेस है, वहां पे पत्थर पत्थर लगे थे पहले, बहुत सारे, अब तो ग्रास लग गई है, पहले वो पत्थर पत्थर थे। अब सपोज हम गए हैं मरीन ड्राइव, मेरी रिंग, मेरी इयर रिंग या मेरी चेन निकल के पत्थरों के बीच में खो गई, पत्थरों के बीच में खोई है, तो मैं जब ढूंढूंगी, मैं हर पत्थर को पलटूंगी ना, हर पत्थर को मैं पलटूंगी, पूरा का पूरा हर चीज ट्राई कर लूंगी चेन को ढूंढने की। तो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैं एक भी पत्थर नहीं छोड़ूंगी जिसको मैं पलटू ना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कुछ नहीं छोड़ना, हर एक एफर्ट को अपना लेना। सो ऑप्शन नंबर विच वन? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट। बिल्कुल सही।
साम दाम दंड भेद भी बोल सकते हैं आप। शाबाश, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। वेरी वेरी गुड, यस विशाल कुमार, बिल्कुल गोमती नगर वाला रिवर फ्रंट, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस डैश। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। अबाउंड, अग्रेवेट, अफ्लोट या फिर अड्रिफ्ट, एकदम सोच के आंसर देंगे सभी लोग यहाँ पर। जल्दी जल्दी से बताइए। अंजना चौधरी, मिलिंद ने गोल्डन रूल्स डाल दिए थे, मैंने चेक किया था, थैंक यू सो मच मिलिंद फॉर दैट। जो किसी ने शायद कमेंट में रिप्लाई किया था कि मैम 50 गोल्डन रूल्स का पीडीएफ दीजिए, तो मिलिंद ने रिप्लाई में ही, मेरे लास्ट पीडीएफ के रिप्लाई में मिलिंद ने ऑल 6 पीडीएफ डाल दी है 50 गोल्डन रूल्स की, तो यू कैन जस्ट गो एंड फेच फ्रॉम देयर। एंड टेलीग्राम के जो ऑफिशियल चैनल है जिसका यहाँ पे आपको पिंड दिख रहा है लिंक, वहां पे भी मेरी पीडीएफ पड़ी हुई है ऑफ ऑल 6 क्लासेस। मेनी पीपल आर सेइंग एग्रावेट, ओके, अड्रिफ्ट भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हां जी, मेरे ही है 50 गोल्डन रूल्स। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, दिमाग को खोल के, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। उत्तम, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, अबाउंड इज द करेक्ट आंसर। और क्यों है, ध्यान से सुनना, अबाउंड का मतलब होता है, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जब हम छोटे होते हैं, हमारी बहुत छोटी सी, जब कम उम्र के होते हैं बहुत कम ख्वाहिशें होती हैं, छोटी सी, एक छोटी सी चीज मिल जाए, बैट मिल जाए, बॉल मिल जाए, मतलब एकदम लगता है दुनिया की सारी खुशी मिल गई। और जैसे जैसे बड़े होते हैं भाई, लगता है कि ऑडी से कम में तो काम ही नहीं चलेगा, मारुति कौन चलाएगा यार, ऑडी चाहिए। तो ये चीज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ख्वाहिशें बड़ी होती जाती हैं, ओवरफ्लो करती जाती हैं। तो अबाउंड का मतलब होता है ओवरफ्लो ऑन समथिंग, मतलब ओवरफ्लो हो जाना किसी चीज का। तो हमारी जो चॉइसेस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, वो अबाउंड कर जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं। एग्रावेट क्यों नहीं होगा, एग्रावेट का मतलब होता है कोई चीज, मतलब किसी चीज को खराब करना, कोई चीज बुरी है उसको बद से बदतर करना होता है एग्रावेट का मतलब। तो चॉइसेस को हम बद से बदतर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव बेटर ऑप्शन अबाउंड। उसके बाद अफ्लोट का मतलब होता है तैरना, और अड्रिफ्ट का मतलब होता है गाइस, यू कैन से भटक जाना, दैट इज अड्रिफ्ट। ठीक, तो यहाँ पे सबसे सूटेबल जो हमारे पास ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, अबाउंड। क्लियर है, शाबाश, वेरी वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नहीं झकास बाबू, अभी इतने अमीर हम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 मोर एलिवेटेड रोड्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू अनक्लॉग द ट्रैफिक इन दिल्ली। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कौन इसका आंसर मुझे एकदम सही सही देता है। अक्षय, प्लीज ट्राई स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश, आई एम बायलिंगुअल ओनली। अबाउंड का मीनिंग होता है जग गोपाल, किसी चीज का मतलब ओवरफ्लो हो जाना। बचपन में बहुत लिमिटेड ख्वाहिशें होती हैं, और जब हम बड़े होते हैं ख्वाहिशें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस टाइम पे हम लोग की ख्वाहिशें कितनी है, यार बंगला हो, पैसा हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, नाम हो, फेम हो, सब हमारी ख्वाहिशें होती है, मतलब ख्वाहिशें एकदम चरम सीमा पे होती है, पार हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, दैट इज अबाउंड। प्रपोज होना चाहिए, मान लिया जाए, वेरी गुड कॉरप्रीत, शाबाश। स्माइली राघव, वेरी गुड। भूपेंद्र, अंकित, शिवशंकर, मृणाल, शिवांगी, अंकित, वेल डन गाइस, शाबाश। झकास बाबू, वेरी वेरी गुड। हैव बीन के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इवन अ किड नोज कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैव बीन के बाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रपोज हो जाएगा। किसी को अच्छा इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, मुझे सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि किसी को ये पेपर टफ लग रहा है। अगर आप में से कोई भी CHSL का पेपर देगा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने मुझसे पढ़ा है और आप नहीं क्लियर कर पाओगे पेपर। कितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हो, मुझे बस ये बता दो, ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज पे इतना पेपर देख के आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे, कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा? एक भी स्टूडेंट मुझसे वैसा बोल दे कि मैम ना हो पाएगा, बताइए बताइए सब लोग,
लग रहा है अंकित आपको भी राम राम। क्या बात है अंकित सिंह, क्या बात बोल दिया आपने, थैंक यू सो मच, यू वन माय हार्ट, थैंक यू। क्या होना चाहिए बताइए बताइए, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड पता है इतनी खुशी मिलती है जब मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आपके पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आया है या आपसे कुछ सीखा है, यही मेरा रिवॉर्ड है, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज, मेड मी सो हैप्पी, सो ग्लैड, बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, दैट वुड बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, ये रहा आपका क्वेश्चन, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनडेलिबल, इनएविटेबल, इनविंसिबल, इनफॉलेबल। हर एक वर्ड मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रटाया है। अब जितने स्टूडेंट्स, मे भी कुछ न्यू स्टूडेंट्स सोच रहे हो कि यार मैंने तो मैम की क्लास ही नहीं देखी है, क्या होगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं आपको अगले एक महीने के अंदर हर एक चीज रटा दूंगी। तो सिर्फ आपको कंसिस्टेंट, आज से ही अगर पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं तो आज से बस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लीजिए, आज की डेट से यू विल बी एन इंग्लिश एक्सपर्ट। और सबसे पहले जितने लोगों ने मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो आप लोग को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो क्या किया करो ना, कभी कभी मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग तो ज्वाइन हो गए हो ऑलरेडी कुछ लोग, तो आप लोग उसका जो लिंक है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए, जैसे कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ाती हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, फिर अगर मैं लिंक को कॉपी करके डालूँ तो आप ही लोग डाल दिया करिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए, दे कैन ज्वाइन टू, ठीक है। वेरी गुड, डेथ इज इनएविटेबल, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इनएविटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, किसी चीज को अवॉइड ना कर पाओ वो इनएविटेबल होती है। इनडेलिबल कौन होती है, इनडेलिबल कोई ऐसी चीज होती है जिसको मिटाया ना जा सके। ही लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन माई हार्ट, उसने एक ना मिटने वाली छाप छोड़ दी है मेरे दिल पे, इनडेलिबल मार्क ऑन माई हार्ट, ठीक। फिर आता है इनविंसिबल, कोई ऐसा इंसान जिसको हराया ना जा सके, दैट इज इनविंसिबल, गॉड इज इनविंसिबल, समझ में आया। फिर इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई फ्लॉ ना मिले, वो चीज इनफॉलिबल होती है, समझ में आया। हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तभी आप वोकैबुलरी के मास्टर बन पाओगे। वेरी गुड, नवलेंद्र आपको भी प्रणाम, और नवलेंद्र आप हमेशा मुझे क्लास में लेट दिखते हो, भैया ऐसा चलेगा नहीं, फायदा होगा नहीं, मैं सच में बता रही हूँ, स्टार्टिंग से क्लास किया करिए, टाइम नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपका सवाल, मिनिस्क्यूल, ड्वार्फ, जिजांटिक, स्मॉल या फिर मीगर, जल्दी से बताइए आंसर। हाँ अंजना, गोल्डन रूल्स मैंने डाल दिए हैं, मतलब मैंने नहीं, मिलिंद ने डाले थे, लेकिन गोल्डन रूल्स पड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, ठीक है ना। राजीव कुमार, थे कुछ रीजंस, माय पर्सनल रीजंस, आई कैन नॉट डिस्कस दैट, बट नाउ आई एम हियर, यहाँ पे मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं। सौरभ कुमार, आई एम सो सॉरी, इन दैट केस अगर बफरिंग हो रही है तो कोई कुछ प्रॉब्लम तो है, मतलब मेरे फोन में आज मुझे नहीं दिख रही है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार बंद करके दोबारा खोल लिया करिए। वेरी गुड, शाबाश, इतने सारे लोगों के सही आंसर आ गए हैं, शिवशंकर, मतलब मुझे लगता है मैं नाम किसका किसका लूँ, एक का नाम लूंगी दूसरा बुरा मान जाएगा, इतने सारे सही आंसर आ चुके हैं, उतनी स्पीड में, मतलब इतनी खुशी होती है ना ये देख के। मिनिस्क्यूल का क्या मतलब होता है, मिनी से, मिनिस्क्यूल मिनी से बना, अच्छा वर्ड आप सुबह भी आया है क्या, आप सुबह मैंने आपको जो एंटोनिम सिनोनिम 4 बजे वाली क्लास में कराए हैं उसमें था क्या ये वर्ड, आई थिंक था, है ना। मिनिस्क्यूल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, मिनी से शुरू हो रहा है, मिनी का मतलब छोटा, और जाइजांटिक का मतलब जाइजांटिक जाइंट से मिलता जुलता है ना, जाइंट बहुत बड़ा होता है, उसी तरह जाइजांटिक बहुत बड़ी चीज होती है, ह्यूज, बिग, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। मीगर का मतलब होता है किसी चीज की कमी, ठीक है ना, मीगर का मतलब कमी होता है। बताइए शैलेंद्र, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। मुकुल, में कौन सा होलोग्राम यूज कर रही हूँ, नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ होलोग्राम। ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर बताइए। लॉट ऑफ पीपल्स विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस, ऐसा मुझे तो लग रहा है ये हमारे लखनऊ की बात हो रही है, जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। यस विक्रम, दिस इज फॉर MTS, MTS, GD, CHSL, CGL, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन।
क्लास टाइमिंग इज 10 PM, इस क्लास की टाइमिंग है गाइस 10 PM, और जितने लोगों ने अभी मुझे कितने यार इतने कम लाइक्स क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग देख रहे हो जस्ट गो एंड लाइक दी सेशन, 200 तो मतलब इतने देर में होने चाहिए थे ना यार, इतनी मेहनत आपका एजुकेटर कर रहा है, देयर जस्ट 156 लाइक्स, सीरियसली जस्ट 156, 6 डिसलाइक्स भी हैं, चलिए अ लॉट ऑफ पीपल, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड स्टालिन, मोहिनी, लिप्सा, वैभव, प्रिया, गौरव, बहुत मतलब सबके आंसर मुझे सही ही दिख रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल्स कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, पीपल्स का मतलब होता है डिफरेंट रेस के लोग, डिफरेंट रेस के लोगों को पीपल्स बोलते हैं, पीपल वर्ड हम यूज करते हैं, पीपल इज इटसेल्फ प्लूरल, ये खुद में प्लूरल वर्ड होता है पीपल, ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अ लॉट ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है ना। अंजना नहीं मिला क्या आपको PDF, लास्ट वाले का आप मेरे लास्ट टेलीग्राम ग्रुप पे लास्ट वाला जो है ना PDF जो मैंने डाला सब कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, मिलिंद ने डाला था, वेरी गुड। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलेंद्र 5 बजे नहीं 4 बजे, 5 बजे मेरी क्लास खत्म होती है, ये बताइएगा EDM है डांस टू समवन ट्यून, क्या मतलब है इसका, आंसर बताइए। उदित ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चन में क्या बताऊं, मैं ईयर लिखना भूल गई, वरना मैं पेपर अगर लाऊंगी तो अगली बार से आपको शिफ्ट और ईयर के साथ लाऊंगी, बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जैक्टली ये पेपर आया हुआ है लेटेस्ट ईयर में, अभी पिछले साल या 2020 या 19 का ही पेपर है ये, आंसर बताइए। वेरी गुड स्माइली, मिलिंद, भूपेंद्र, मनोज, सुमित, एवरीबॉडी इज राइट, मतलब क्या होता है यार डांस टू समवन ट्यून का, क्या मतलब होता है, दूसरे के इशारों पे नाचना, किससे याद रखोगे, दूसरों के इशारे पे नाचना, प्लीज जस्ट नेवर माइंड माई अगली हैंड राइटिंग, दूसरों के इशारों पे नाचना, एंड हम सही बताएं इतनी बुरी हमारी बचपन में नहीं थी, फिर एक दुर्घटना घटी और हमने बहुत तेज लिखना शुरू कर दिया और उसके बाद से हमारी हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो गई, सो कृपया ऐसा ना करें, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दूसरों के इशारों पे नाचना बोलते हैं डांस टू समवन्स ट्यून को, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, टू डू वॉट अदर्स वॉन्ट यू टू डू, जो दूसरे चाहे वो करो, दूसरों के इशारों पे नाचो, ठीक है, शाबाश, वेल डन गाइस, वेल डन। शैलेंद्र ठाकुर बहुत अच्छी आपके लिए गुड न्यूज है, EDM समझ में नहीं आते हैं, EDM समझाने का मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको अगर जुड़ना है, सीखने हैं EDMs, तो संडे को मैंने स्पेशल क्लास ली है आप ही लोगों के लिए, सोच लो संडे को भी हम क्लास ले लेते हैं, 8 PM पे मेरी क्लास होगी इस संडे को, 50 टॉप EDMs, मतलब 100 EDMs का ये पार्ट 2, यानी कि 50 EDMs हम 1 घंटे में कर लेंगे, ट्रिक से सीखने हैं कि दिमाग में याद रह जाए, कभी ना भूलो, तो 8 बजे संडे को यहाँ हाजिर हो जाना, ठीक है। अगला सवाल आपका रहा ये, बताइए, नाउडेज Rent for a 2-room house can run as high to ₹40,000 in Mumbai. Answer बताइए भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या होगा इसका। There are still 193 likes and 7 dislikes. 7 हो गए, चलिए 7 likes और करेंगे तभी हो पाएंगे guys 200 plus. बिल्कुल सही मोहम्मद सुलेमान, एकदम सही बोला है, बराबर पे रखना है, और इक्वालिटी के लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, मोहिनी बिल्कुल सही, अंकित बिल्कुल सही, रंजनी, मुकुल, भूपेंद्र, वेरी गुड पीपल, बिल्कुल सही, इक्वालिटी के लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, एज एडजेक्टिव एज, एज एडजेक्टिव एज, और इसमें रूल क्या होता है कि जो बीच वाला एडजेक्टिव होता है ना ये हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है, इस चीज को जरूर दिमाग में रखना क्योंकि इस पे भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी वो दे देता है एज हायर एज, नहीं होगा कंपैरेटिव फॉर्म, क्या होगा पॉजिटिव फॉर्म होगा, तो एज हाई एज हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर विच वन, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, समझ में आया, वेरी वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका,
ये आंसर बताइएगा. आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट डैश एट दैट टाइम चेंज माई लाइफ फॉर अ बेटर. समझ के इसका अगर आपने मीनिंग समझ के आंसर दिया तो ट्रस्ट मी गलत नहीं होगा. मीनिंग समझ के मुझे आंसर दीजिए इस वाले क्वेश्चन का सभी लोग. हाँ अभिषेक आई जस्ट नो कि मुंबई में बहुत ज्यादा महंगा है रेंट एंड ऑल. बहुत सारे लोगों का आंसर यहाँ पर मुझे सही दिख रहा है लेकिन कुछ लोग अभी पर यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं. सो मेनी पीपल आर सेइंग इंडिकेशन, सो मेनी पीपल आर सेइंग इंडेंट. क्या आंसर होगा फिर से एक बार मतलब समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो स्पीकर है वो आखिर कहना क्या चाह रहा है. स्पीकर पता है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है. स्पीकर का कहना है कि मैंने बचपन में सोचा था कि ये जो मेरे को स्ट्रोक पड़ा था ना चाइल्डहुड में बचपन में वो एक मेरे साथ अन्याय हुआ था लेकिन बाद में मुझको पता चला कि स्ट्रोक की वजह से मेरी जो लाइफ है वो पॉजिटिव वे में चेंज हो गई थी. ये मतलब है ये कोशिश कर रहा है राइटर बोलने की. बचपन में जो उसको स्ट्रोक आया था ना बहुत अर्ली एज में उसको उस टाइम पे ऐसा लगा था कि वो उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि दैट चेंज हिज लाइफ फॉर समथिंग बेटर. एक बेटर चीज के लिए अच्छे के लिए उसकी लाइफ चेंज कर दी थी इस चीज ने. तो यहाँ पे अन्याय का क्या होता है इनजस्टिस होता है. इंसेंटिव क्या होता है कुछ अच्छा करने के लिए जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं ना गाइज उसको इंसेंटिव बोला जाता है. मतलब बेसिकली सैलरीज वगैरह में मिलते हैं सैलरी में कुछ एडिशन हो जाए दैट इज इंसेंटिव. ऑप्शन नंबर वन इंसेंटिव का मतलब क्लियर है. इंडिकेशन क्या होता है इशारा. ठीक है ना बोलते नहीं कि टीवी सीरियल्स में मैंने मोस्टली देखा है कि भगवान मेरी तरफ जल्दी से कोई इशारा करो. इशारा क्या होता है इंडिकेशन. फिर इंडेंट क्या होता है. इंडेंट यू कैन से गाइस मांग पत्र सॉर्ट ऑफ हिंदी में बोलते हैं ना मांग पत्र किसी चीज को मांगने के लिए वो होता है इंडेंट. ठीक है ना. निशा पूछिए पूछिए मैं सच में आई एम सो सॉरी मैं आपका मैसेज नहीं देख पा रही हूँ. क्या आपको पूछना है बताइए. ठीक है क्लियर हुआ. ऑटो व्लॉग्स में मैं रूल्स आपके ग्रामर बहुत जल्द लाने वाली हूँ. गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर और यू कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर इज आर कमिंग सून. बहुत जल्द आने वाले हैं आपके सीजीएल और सीएचएसएल सेशन के पहले. तो जस्ट स्टे ट्यून बने रहिए सेशन मतलब. तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो रिमाइंडर सेव कर लेना मतलब अभी नहीं कर पाओगे. आने वाले हैं बहुत जल्द मेरे रूल्स. ठीक है ना. तो ये वाला क्लियर हुआ सबको. ठीक है ना. निशा मुझे आपका कमेंट नहीं दिख रहा है आप कुछ पूछ रहे थे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ये रहा आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा. एडवर्सरी आज सुबह ये टर्म आया है ऑप्शन से नहीं थे लेकिन वर्ड यही था. मैं बार बार कहती हूँ गाइस मेरा वोकैबुलरी वाला सेशन मत मिस किया करो. उससे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा आपके सेशन में आपके एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना. बट अगेन यू मिस दैट सेशन. इतने कम स्टूडेंट्स मुझे वहां पे देखते हैं. मुझे लगता है बाद में यार इतनी वोकैबुलरी आती है सबको यहाँ पे कोई है ही नहीं. तो इस वजह से बहुत जरूरत है उस सेशन की आप लोगों को जरूर से करा करिए. चलिए भाई देखा जाए कि क्या है यहाँ पर आखिर मतलब इसका. चलो एडवर्सरी. एडवर्सरी वो पर्सन होता है जो किसी कॉम्पिटिशन में किसी कॉन्टेस्ट में किसी इलेक्शन में आपके अगेंस्ट हो. आपका जो विपक्षी होता है आपके अगेंस्ट जो होता है वही होता है एडवर्सरी. इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है राइवल भी. तो यही होता है आपका अगेंस्ट जो है आपके जो खिलाफ है आपका जो कॉम्पिटिटर है वो राइवल है. तो दोनों का मीनिंग मिलता जुलता है सेम है हेंस ऑप्शन नंबर टू विल बी द आंसर. हेल्पर का मतलब कौन होता है. हेल्पर असिस्टेंट सपोर्टर तीनों का मतलब होता है जो आपकी मदद करता है हेल्प करता है. जो आपकी हेल्प करे या मदद करे वही ये तीनों होता है. कोई बात नहीं वर्षिका टेक केयर. ठीक है ना. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर टू. दिस इज द अगला क्वेश्चन. प्लीज ब्रिंग स्पेशल क्लास ऑन वोकैबुलरी. अक्षय तुम पे आपने बोला और आ गया. डोंट वरी इस संडे को हम ईडीएम कर रहे हैं. अगले संडे को हम कोई और सेशन कर लेंगे. आपकी वोकैबुलरी की स्पेशल क्लासेस चलती रहेंगी एंड आपकी जो रेगुलर क्लासेस वोकैबुलरी की चलती है ना
वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ट्रस्ट में। मैं डेली आपको इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाती हूँ, और इस टाइम कल तक के लिए उसका टाइम 4 PM है, सिर्फ कल 4 PM पे क्लास होगी, और मंडे ऑनवर्ड्स मेरी क्लास हो जाएगी 9 AM पे। तो आप लोगों को सबको बताना है कि दिस क्लास इज गोइंग टू बी अटेंड, दे गोइंग टू बी हैपन ऑन 9 AM एवरी मॉर्निंग, हर दिन होगी 9 बजे मेरी क्लास। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। यस, वेरी गुड अंजी, बहुत अच्छा आपने स्टेटमेंट बनाया है, वेरी वेरी गुड। सेलिब्रेशन, बिल्कुल सही आंसर है। क्या स्पेलिंग होती है सेलिब्रेशन की भाई? सेलिब्रेशन तो होता नहीं है कि सेलिब्रेशन होता है, इट्स नॉट सेलिब्रेशन, इट्स सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, ई नहीं आता है सेलिब्रेशन में, है ना? क्या बात है। चलो भाई हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ऑप्शन नंबर 4 था हमारा आंसर, ये रहा अगला सवाल। मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाट आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस? आंसर बताइए सोच समझ के। मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस? जल्दी से आंसर बताइएगा, बहुत इजी है ये वाला। करणवीर सिंह, इंग्लिश लैंग्वेज इज सो सो इजी, एंड ट्रस्ट मी, मैं जो मैंने अपने जो सेशन रखवाए हैं ना टेक्स्ट बुक के ऊपर, वो कुछ ऐसे से रखवाए हैं कि आप जो पढ़ो उसी का आप टेस्ट दे दो। पता है कैसे? मेरी क्लास चल रही है 9 बजे, मेरी क्लास चलेगी रोज सुबह, किसकी? वोकैबुलरी की। उसके बाद 12 बजे मेरी क्लास चलेगी, किसकी? ग्रामर की। और उसके बाद 10 बजे जो मेरा शो चलेगा, वो चलेगा मॉक टेस्ट। अब बताओ, ग्रामर पढ़ा, वोकैबुलरी पढ़ी, 10 बजे आपने आके कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर तीनों की प्रैक्टिस कर ली, तीनों का टेस्ट दे दिया, हो गया ना ओवरऑल प्रिपरेशन। तो मिस मत करिएगा कोई भी मेरा सीरीज। वेरी वेरी गुड, बहुत सारे आंसर मुझे यहाँ पे सही दिख रहे हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, वेरी गुड। अंकित, बिल्कुल ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं हम क्या हो जाएगा इसका। मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस? क्वेश्चन है और स्पीच चेंज करनी है। अब कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आस्ड होना चाहिए, सेड वाले जो दोनों एकदम सीधे से हटा दो, इन लोग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें आस्ड तो है ही नहीं। आस्ड वालों पे चलते हैं। मिस्टर पुरी आस्ड मी, व्हाई वाज आई और आई वाज, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना, वाज आई और आई वाज का है। एक चीज दिमाग में आज बैठाओ, अगर नहीं पता है तो। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क आएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करोगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हटते ही आपका इन्वर्जन हटके वो नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाई आर यू, ये वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, इसी को इन्वर्जन बोलते हैं, और ये हमेशा इंट्रोडक्टरी में आता है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स में आता है क्वेश्चन वालों में। अब क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट पार्ट हट गया है इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पर इन्वर्जन भी नहीं आएगा, वॉज आई नहीं आएगा, आई वॉज आएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आंसर, ठीक है ना? That I was taking down, yes, बिल्कुल सही बोला है तान्या, तान्या ने शायद बताया था this और that का भी फर्क है। Yes, मनोज बिल्कुल बोला है, बिल्कुल सही। मोहिनी आप लोगों ने भी बोला है this और that का भी फर्क है। यहाँ पे ही वैसे हमें तो पता चल गया, ठीक है ना, वो चीज भी this हमेशा that में चेंज होता है, इतना भी पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी गुड, शाबाश, वेल डन गाइस, वेल डन। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निशा अगर आप हो तो आपका मुझे सच में अब तक कमेंट नहीं दिखा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मैं एक बार देख लूं कैसे यहां पे दिया हुआ है। ओह नो, हमें वापस से हर बार ब्लैंक पे आना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। आई थॉट कि ये सब में दिया होगा पैसेज, शिट। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पहला वाला देखिएगा, नॉट पहला वाला, ब्लैंक नंबर 5, उल्टे से चलता है। अब सीजीएल और सीजीएसएल वालों ने क्या किया है कि वो हमेशा उल्टे से देते हैं। तो पहले उन्होंने ब्लैंक नंबर 5 दिया है, तो पहले मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। ये क्वेश्चन का टाइम नहीं है, ये सिर्फ आपका ये पैसेज रीडिंग का टाइम है। 20 सेकंड में आप पूरा पैसेज एक बार रफली पढ़िए ब्लैंक के साथ। इमान कल्याण, थैंक यू सो मच। अच्छा, गिव अ साइड, इट्स नॉट विजिबल। ओके, मैं हट ही जाती हूँ, काम करो जल्दी से। 20 सेकंड्स के अंदर पढ़ लीजिए इसको, जस्ट 20 सेकंड्स। अंकिता से मैं आपका नाम लेती तो हूँ, अंकित और अंकिता मैंने मतलब कई बार लिया है। निशा प्लीज पोस्ट अगेन।
चलिए ठीक है ना, इतना पढ़ लिया, I'm back. अब हम चलते हैं पहले वाले पे. पहला वाला आपसे ब्लैंक नंबर 5 पूछा है. चलो भाई ब्लैंक नंबर 5 देखिएगा. सैक्रेड मिस्टीरियस कंसील्ड या होली. सैक्रेड मिस्टीरियस कंसील्ड या होली. जल्दी जल्दी से आंसर बताइए. आंसर वुड बी हिडन समथिंग लाइक दिस. मृणाल वेरी गुड. कुछ लोगों ने तो बिना ऑप्शन देखे ही आंसर दे दिया था हिडन. वेरी वेरी गुड. क्या होना चाहिए? वेल डन पीपल, शाबाश. बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है कंसील आंसर होना चाहिए. केप्ट कंसील्ड इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में छुपे रहे. फॉरेस्ट में छुपे रहे. कंसील का मतलब होता है छुपे रहना. शाबाश वेरी वेरी गुड. अब जरा एक बार फोर्थ वाला रीड करिएगा. फोर्थ वाला रीड करिए जरा. फोर्थ वाला देखा. ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन. आज का अरेंजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है गाइस. कोई बात नहीं, कल से नहीं हो पाएगा. कल से नहीं होगा ऐसा. ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. अब बताइएगा ब्लैंक नंबर 4 देखा आप लोगों ने. ब्लैंक नंबर 4 फिर से चले. वेरी गुड. सो मेनी पीपल आर सेइंग वर एंड एब्सोल्युटली करेक्ट. वर इज द आंसर. बिल्कुल सही है यहाँ पे वर. ठीक है ना, वेरी गुड. अब हम फिर से ब्लैंक पे चल लेते हैं. आज थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा मेहनत. ब्लैंक नंबर 3 देखिएगा गाइस एकदम ध्यान से. ब्लैंक नंबर 3 देखिए. अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस डैश ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट. ब्लैंक नंबर किस पे? 3 पे. आंसर बताइएगा मुझे ब्लैंक नंबर 3 का. एवरी ईयर, ऑल ईयर, होल ईयर या फिर वन ईयर. एवरी ईयर होगा. शाबाश वेरी वेरी गुड. लोग वहां पे हर साल विजिट करते हैं. अब देख लीजिएगा जरा 2 वाले का ऑप्शन. 2 वाले के ऑप्शन देख लीजिए. कॉल, कॉल्स, कॉलिंग या कॉल्ड. ठीक है, ये हो जाएगा. एक बार 2 वाले के ऑप्शन देखिए, फिर हम चलते हैं पैसेज के ऊपर. And there comes the passage. बताइए 2 वाले का आंसर बताइए मुझे जल्दी से. From Berlin dash the forbidden city. Berlin dash the forbidden city. ठीक है, ऑटो ब्लॉक्स में आपको बता दूंगी अभी. Called the forbidden city. Absolutely correct. Berlin called the forbidden city. बिल्कुल सही है. And last blank. Blank number 1 देख लो. ब्लैंक नंबर 1 तो चलो मेरे ऊपर ही दिख रहा है. ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट कैन डैश अ फॉर्मर नाजी. ब्लैंक नंबर 1 देख लिया. लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैंक नंबर 1. ये रहा और मुझे बताइए जल्दी से आंसर. शाबाश बिल्कुल सही है. विजिट विल बी द आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट. विजिट हो जाएगा यहां पे इसका सही जवाब. Very, very good. Shabash. Now let's move on to the next question. अगला question आपका रहा ये. Answer बताइए मुझे जल्दी जल्दी से सभी लोग. शाबाश, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने solve किया है ये वाला paradigm. Answer बताइए. वेरी वेरी गुड. क्या बात है. क्या हो जाएगा यहां पे? कर्सर होना चाहिए. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया. कर्सर ही होना चाहिए. CURSOR होती है कर्सर की स्पेलिंग. शाबाश वेरी वेरी गुड. बिल्कुल सही है. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपके सामने. ये गाइज आप लोगों के लिए फीचर है.
मैं आप लोग को हर सेशन में मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को बताऊंगी इसके बारे में, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट फीचर ऑफ textbook.com, textbook एप्लीकेशन का मेरा फेवरेट फीचर ये है और क्यों है मैं आपको बताती हूँ. इफ यू गो फॉर एनी कोर्स ऑन textbook.com तो आपके पास एक वहां पे डाउट प्लेटफॉर्म होता है. इस डाउट प्लेटफॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल ये 24/7 सपोर्ट है. ये जो हमारे SMEs होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, 24/7 प्रेजेंट रहते हैं आप लोग की डाउट सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल, आप रात में 3 बजे पढ़ रहे हो, 3 बजे आपने पढ़ाई करी किसी किताब में, आपको लगा कि मैथ्स का ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही नहीं रहा है, आपने उसकी फोटो ली, क्लिक करी और डाउट प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी. 3 से 4 तक आपने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 बजे आपने पलट के देखा, वो डाउट आपकी वहां पे आपको सॉल्व मिल जाएगी. मैं रात के 4 बजे की बात कर रही हूँ, मतलब सुबह के, रात के 3 बजे सुबह के 4 बजे उसकी बात कर रही हूँ, वहां पे 4 बजे तक आपको सॉल्व मिल जाएगा. तो 1 घंटे के अंदर इस डाउट प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे के अंदर आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा. तो ये सोचिए कितनी फायदे वाली चीज है आप लोगों के लिए. प्लस आप वहां पे हर एक क्वेश्चन के अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हो, आप वहां पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, लाइक दिस क्वेश्चंस को सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, एंड आप यहां पे कैप्शन लिख कर सेव कर सकते हो कि इस बारे में है, ये नोट्स है, ये आपके पर्सनल नोट्स होंगे, ठीक है ना. वेरी गुड. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स एंड रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू निशा. ओके, ये बहुत इजीली आते हैं, तो मैं स्पेलिंग पे भी आपका सेशन लूंगी, डोंट वरी. मेरी 12 बजे वाली जो क्लास है ना, 30 डेज सीजीएल क्रैश कोर्स, इसमें मैं आपकी लेने वाली हूँ जल्दी स्पेलिंग की, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए. देयर वर नॉट इनफ टेस्टमेंट्स इन वियना टू डैश द लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग. जल्दी से मुझे आंसर बताइए इस वाले क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा एकदम स्पीड में. चलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए सभी लोग. क्या हो जाएगा टिन स्मिथ्स टू डैश द लैंटर्न्स ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग्स इन वियना. क्या बात है, शाबाश, वेरी वेरी गुड. वियना में बहुत सारे टिन स्मिथ्स नहीं बचे थे लैंटर्न्स को बनाने के लिए, लैंटर्न्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए. बिल्कुल सही है, हम किसी लैंटर्न को मैन्युफैक्चर करते हैं. एकॉम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को हासिल कर लेना. कंपोज का मतलब गाने कंपोज किए जाते हैं, म्यूजिक कंपोज करी जाती है, लैंटर्न्स कंपोज नहीं किए जाते हैं. एग्जीक्यूट प्लान को किया जाता है, लैंटर्न को नहीं किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर. समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. अगला सवाल है ये, ईडियम बताइए टिट फॉर टैट, एवरीबॉडी नोस. बताइए, स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना, क्या होता है मतलब बताइए जल्दी से. अभी मुझे अक्षय तोम पे याद नहीं आ रहा है कि नेचर लवर को, लवर को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं. आई डोंट नो, मे बी पी से कोई वर्ड होता है. आई एम सॉरी, मतलब मेरे दिमाग में अभी एग्जैक्टली बिल्कुल से क्लिक नहीं कर रहा है, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गूगल दैट और आई कैन गूगल दैट, सेम बात होगी, क्योंकि इस टाइम मेरे दिमाग में ऑनेस्टली क्लिक नहीं हो रहा है क्या बोलते हैं एग्जैक्टली. ओके, सो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही. किसी ने, अब जैसे मैं बैठी हूं, मेरा भाई क्या करता है, आसपास से जाता है तो मेरे सिर पे टप ऐसा करके जाता है, तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जैसे मैं काम कर रही हूँ बैठ के, आएगा पीछे से टप से मारते हुए जाएगा, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, ओके यू विल पे फॉर दिस टिट फॉर टैट. टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसी को जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे हम भी वैसा ही करेंगे, बदला लेंगे. टिट फॉर टैट का मतलब होता है ये, तो यानी कि टू डू हार्म एज डन टू यू, जैसा आपको किया गया है आप भी वैसा ही करोगे, इसी को बोलते हैं टिट फॉर टैट. ठीक, ये रहा अगला सवाल पारा जंबल का, बहुत ही इजी. जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस पारा जंबल का, क्विकली इजिली आंसर बताइएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. जल्दी से, इतनी भी देर में जितने लोग यहाँ पर आए हो गाइस, अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स की यहाँ पे डेली क्लास चलती है आपकी रात में 10 बजे मॉक टेस्ट की. ADBC चांदनी राघव सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट. मिलिंद मनोज, बिल्कुल सही आंसर है. पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, वन फाइन मॉर्निंग
लग रहा है कि किसी चीज की शुरुआत हो रही है, बढ़िया है, पहला हो सकता है। ही पुल्ड नहीं होगा, ही आया है नहीं होगा, बिफोर डिपार्टिंग इसके पहले भी कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वॉज गेटिंग, पहले तो हमको पता चल गया सिर्फ ए वाले होंगे। वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, वो हंटिंग जाने के लिए, शिकार करने के लिए तैयार हो रहा था। इसके बाद डी आएगा कैसे पता चला, क्योंकि डी शुरू हो रहा है बिफोर डिपार्टिंग, यानी कि जाने से पहले, निकलने से पहले, यहाँ के लिए हंटिंग के लिए बन गया ना ए और डी का पेयर। ए और डी का पेयर किसमें आ रहा है, फोर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर, बताइए। ठीक है ना, वेरी वेरी गुड। Now let's move on to the next question, जो है आपके सामने ये। Municipal corporations have started to take dash of the problems of waste management. Answer बताइए, चलिए। सुषमा आपके आंसर मुझे लग रहा है थोड़े आप स्लो दे रहे हो, क्या मुझे आपके आंसर नहीं मिल रहे थे, अब मिलना शुरू हुए हैं, बताइए जल्दी से आंसर करिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, स्टैलिंग कहां से उठा के लाइए, प्रीवियस ईयर पेपर है, अटेंशन होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। भैया सोच समझ के आंसर देना है, कॉग्निजेंस होगा, परसेप्शन होगा, अटेंशन होगा या नॉलेज होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्ट मैनेजमेंट पे अब ध्यान देना, अब उसके बारे में जानना समझना शुरू किया है, तो इसमें अटेंशन कैसे होगा, टेक अटेंशन, आपने कभी सुना है टेक के साथ अटेंशन का यूज, नहीं सुना है ना, वी गिव अटेंशन, वी डोंट टेक अटेंशन, वी गिव अटेंशन, समझ में आया, टेक अटेंशन जैसा कोई चीज नहीं होती, कभी हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टेक कॉग्निजेंस, टेक कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता लगाना, अब उसने पता लगाना, चेक करना शुरू किया है प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो कॉग्निजेंस विल बी द आंसर। क्या मतलब होता है कॉग्निजेंस का, टू अंडरस्टैंड समथिंग टू एंड टू गेट द नॉलेज अबाउट समथिंग, समझ में आया, अंडरस्टैंड और गेन नॉलेज अबाउट समथिंग, ये होता है कॉग्निजेंस का मतलब, राइट, ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर, इट्स नॉट परसेप्शन, नो नो नो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सेशन, सैशिएट, सेटल या फिर सैटेलाइट। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक, जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। अल्फा हम बहुत पहले आ गए हैं, आपने हमको अब देखा है जाके, यू आर लेट, हम तो कब से यहां पर आ चुके हैं। लेट्स सी, हाँ मिलिंद आई जस्ट फॉरगॉट, असाइनमेंट देना मैं भूल गई थी, अब आपकी क्वेश्चन में मैं जरूर दूंगी असाइनमेंट सेशन के एंड में, बिल्कुल सही है। सैशिएट की स्पेलिंग में ना, बिल्कुल ठीक है, सैटेलाइट की स्पेलिंग में गड़बड़ है, सैटेलाइट में टी होता है, एस ए टी ई डबल एल आई टी, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की स्पेलिंग में गड़बड़ी थी, समझ में आया, वेल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज Passive. थोड़ा बड़ा दिख रहा है, घबराना नहीं, बहुत आसान है, वही तीन मैजिकल रूल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं, सिर्फ वही तीन रूल्स। द जापानीज एम्परर अकीतो एब्डिकेटेड द चेरिसैंथिमम थ्रोन इन अप्रैल 2019, सोच के बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर वन एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ सी, अगर आपको रूल पता है तो इतना एक पैराग्राफ जैसा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन भी आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि ऑल यू हैव टू डू इज केयरफुली रीड द क्वेश्चन, क्या है, किस टेंस में है ये। मैंने बोला 90% तो पहले वाले रूल से सॉल्व हो जाएंगे, और मैं एक्चुअली बोला है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे इसी रूल से सॉल्व किया है, मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया था, मुझे हर टीचर ने हर टेंस का मतलब, सोचो तो यार, तुम एक बच्चे को एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लिए ये स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए ये स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये स्ट्रक्चर, पास्ट के लिए अलग, फ्यूचर के लिए अलग स्ट्रक्चर दोगे तो वो कैसे याद रखेगा, नहीं याद रहेगा ना। मैंने आप लोगों को, मैंने अपने लिए जो रूल बनाया था ना, वही मैंने आपको सिखाया है कि सिर्फ तीन चीजों को दिमाग में रखना है, टेंस चेंज नहीं होता है,
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं, पोजीशन स्विच करते हैं, और तीसरा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट इज इट। ये तीन तरीके हैं जो आपको सॉल्व करने में मदद करते हैं, 90% क्वेश्चन पहले वाले से होते हैं। क्या था? पास्ट सिंपल में था, सिंपल पास्ट टेंस में था। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सिंपल पास्ट टेंस में है? ये वाला सिंपल पास्ट टेंस में है, ये वाला सिंपल पास्ट टेंस में है, बाकी तो सिंपल पास्ट में है ही नहीं। फिर हमने देखा कि भाई ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे ही लिखा है, इस वजह से ये गलत हो गया है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर वन। समझ में आया? ये हो गया ऑप्शन नंबर वन। तो यस तानिया, आई एक्चुअली फील दैट, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से पढ़ा था अपने टाइम पे, मेरे एजुकेटर ने मुझे वैसे ही पढ़ाया था, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट इंग्लिश पसंद थी तो मैंने इसको इजी बना लिया। अब है आपके सामने अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल। ऑन September 11, 2001 टू हाईजैक एरोप्लेन्स क्रैश टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। सभी लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश, मोस्ट ऑफ द पीपल के आंसर सही आ रहे हैं और बिल्कुल सही रीजन भी आ रहा है। क्रैश्ड टू की जगह पर यहाँ हो जाएगा, शुभम मैंने नोट कर लिया है, मैं आपको एनोटेशन के साथ दूंगी, क्रैश्ड टू की जगह हो जाएगा क्रैश्ड इनटू, क्योंकि ये जो प्रपोजिशन इनटू होता है ना गाइस, ये किसी मोशन को शो करता है, अंदर की तरफ मोशन को, मूवमेंट को शो करता है। प्लेन क्रैश हुआ यानी कि घुस गया है, ठीक है ना, ये मोशन को, मूवमेंट को शो करता है। समझ में आया? इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वजह से ये चेंज होकर क्रैश टू की जगह क्रैश इनटू हो जाएगा। सो एरर लाइज इन पार्ट नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर। शुभम निकुम, आई जस्ट नो दिस थिंग, मुझे याद है आपने मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके बोला था कि मैम एनोटेशन डाल दीजिएगा, सो आई जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, नहीं भूलेंगे हम, नहीं कैंसिल करेंगे, ठीक है, चला जाए। थैंक यू सो मच राघव, एंड यू ऑल आर इनफॉलेबल, ट्रस्ट मी। थोड़ी सी पॉलिशिंग, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत जो मैं कर रही हूँ आपके लिए, थोड़ी सी आपके साइड से होनी है, एंड दैट इज इट, यू आर इनविंसिबल, यू आर इनफॉलेबल, ट्रस्ट मी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। कल तो मेरी वोकैबुलरी की क्लास 4 बजे होगी, ठीक है ना, 12 बजे दोपहर में मेरी होती है, टॉपिक वाइज ग्रामर चल रही है, 12 बजे वाली क्लास किसी को मिस नहीं करनी है। उसके बाद 4 बजे वोकैबुलरी, और रात में 10 बजे फिर से आपका मैं लेकर आऊंगी एक मॉक टेस्ट यहाँ पे अपनी, जब तक 100% एक्यूरेसी ना हो जाए छोड़ना मत, लगे रहना। अब यहाँ पे बात आती है, एक तो मैं असाइनमेंट आपको देने वाली हूँ उस क्वेश्चन के बाद, दूसरी बात कि मंडे से मेरा वोकैबुलरी वाला सेशन, ये आपका ओवरऑल वोकैबुलरी डेवलपमेंट का सेशन होगा, स्पेशल वोकैबुलरी सेशन होगा, जो होगा कब, एवरी मॉर्निंग 9 AM। ये आपको हर एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंचानी है कि ओवरऑल वोकैबुलरी डेवलपमेंट का जो सेशन है 9 AM इन द मॉर्निंग होगा, हर मॉर्निंग, ठीक है ना। चलिए, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से सेशन के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप अगर भी आप लोगों ने नहीं ढूंढा है, नहीं मिला है, तो जस्ट गो ऑन द टेलीग्राम एंड वहां पे टाइप कर लीजिएगा सर्च बॉक्स में अनन्या मैम टेक्स्ट बुक, अनन्या मैम टेक्स्ट बुक डाल के आपको मिल जाएगा मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको मिल जाएगी वहां की PDF इस सेशन की, तुरंत मैं वहां पे डालने जा रही हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सी यू गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट, बाय पीपल।